गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राहुल फ्रॉम हैदराबाद। सर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज की तारीख है 22 नवंबर 2018 और टाइम हो रहा है 3:18। ओके, तो सर, इस रोबो के, ये हमारा एक रोबो प्लेटफॉर्म है, एक क्लाइंट का अकाउंट है। ओके, जिसके अंदर हम लोगों ने ये रोबो सेटअप किया है और ये रोबो काम कर रहा है पीछे, जिसमें हमारा ये एमी ब्रोकर का स्कैनर, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हमने इसमें इनबिल्ट करा रखी है। तो वो स्ट्रैटेजी को स्कैन करके ये आपको बाई सेल या कवर क्या करना है वो आपको इंडिकेटर देता है, इंडिकेशंस देता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 से 6 स्क्रिप्ट्स में आज हमारा टोटल काम हुआ है। और सर, इस अकाउंट का जो मार्जिन है, आप विश्वास नहीं रहे, इस अकाउंट में 2 लाख रुपए करीब पड़े, लेकिन आज ओनली 11,000 टू 12,000 के मार्जिन में हमारा ये काम हुआ है, जिसके अंदर आप क्वांटिटी आप खुद देख लीजिए, 397, 104, 236, 224,000। तो ये क्वांटिटी है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मार्जिन एक्सपोजर मिल रहा है तो इसमें 11 से 12 हजार रुपए का मार्जिन हमारा नहीं यूज हुआ है। तो अगर 11 हजार के मार्जिन में और मुझे मेरा ये M2M देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस इज माई M2M। ओके, ये आज का मेरा नेट प्रॉफिट है। 11,000 के मार्जिन में सर ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट मेरे अकाउंट में शो कर रहा है। तो ये है खासियत इस रोबो की कि आपको पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, रोबो को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, रोबो आपका खुद स्टॉक सिलेक्शन करेगा, कितनी क्वांटिटी में काम करना है वो खुद सेट करेगा। आपके हाथ में बस एक ही पैरामीटर है, रिस्क, कि पर स्क्रिप्ट आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। इस अकाउंट में पर स्क्रिप्ट 500 रुपीज का रिस्क लिया था हम लोगों ने, ओनली 500 रुपीज का रिस्क। अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो मैक्सिमम 500 टू 700 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, भले ही अकाउंट 2 लाख रुपए का है लेकिन ओनली 11,000 रुपए का, क्योंकि छोटा रिस्क लिया है, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है इन क्लाइंट को हमारे। तो हमने उनको बोला है, पहले आप रोबो को समझिए, सीखिए, देखिए कैसे काम करता है, राइट, कि कहीं भी छोटी मोटी गलती हो तो आप मेरे पास एकदम से फोन ना लगाना पड़े कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो आपको वो चीज आनी चाहिए कि कैसे इस चीज को, छोटी मोटी गलतियां जो निकलती हैं, आप लोग सेटिंग चेंज करते हो या कुछ भी, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में आप कुछ रोबो बंद कर दिया या पॉज कर दिया या फिर कुछ तरह के कोई भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कि आप लोगों को उतने सक्षम हो कि वो थोड़ा सा मिनट से पहले आप देख लो। तो जब तक आप एक हफ्ता पूरा इसके ऊपर काम नहीं करो कैसे रोबो वर्क कर रहा है, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप पीएम मत समझिए कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आपका सर हाई होगा, एक हफ्ता वैसे निकाल देंगे। नहीं, कोई भी मशीन है सर, पहले उसको सीखिए तब बड़ा काम करिए। सीखना जरूरी है, मशीन चलाने के लिए भी आपको सीखना की बहुत आवश्यकता है। सीखोगे, समझोगे, तब जाके आप काम कर पाओगे, तब उसमें आप बड़ा रिस्क खेलिए, राइट। तो आज का 11,000 के इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। आप खुद समझदार है, कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 40-45.50% का मेरा रिटर्न निकल के आ रहा है इस अकाउंट में। ठीक है, और ये मेरा खुद का कुछ पर्सनल अकाउंट है, जो एक डमी अकाउंट है मेरे, ये भी एक मेरे क्लाइंट का ही है। तो डमी अकाउंट के अंदर मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं। ओके, तो आप खुद देखिए सर, यहाँ पे रोबो मैंने चलाया था, ये सब जो कैडेला वगैरह है, यहाँ पे मैंने ओनली 2 स्क्रिप्ट्स पे काम किया है, दो दो लॉट पे काम किया है। ये भी मैं कुछ एक नई स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड करी है, और उस नई स्ट्रैटेजी के अंदर ओनली 2-2 लॉट्स पे मैंने काम किया, जिसमें देखिए आप खुद देखिए, अगर इन स्क्रिप्ट्स में मैंने 2-2 लॉट्स पे काम किया है तो 2 रुपये माइनस, 2 रुपये 70 पैसे, 75 पैसे, 17 रुपये लॉस, उसके बाद 38 रुपये का ये प्रॉफिट आया 2 रुपये के स्क्रिप्ट में, डिवीज लैब में। एस्कॉर्ट में 24 रुपये का प्रॉफिट आया, 26 रुपये का प्रॉफिट है एक्साइड इंडस्ट्रीज में, राइट। इसमें देखिए 21 रुपए का HDFC बैंक में प्रॉफिट आया, हेवल्स में -12 रुपीज का लॉस हुआ है, अगेन पावर ग्रिड में 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल जो मैंने आज आज आप लोगों को मैंने एक टिप दी थी, राइट, तो इन क्लाइंट ने भी हमारा उस पर काम किया था टिप पे, बजाज फाइनेंस, हम लोगों ने 2500 का कॉल बाई किया था। ठीक है, मैं आपको ओपन दिखा रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है, अगेन मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सर जो आपको मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, वी आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, हम लोग खुद एक ट्रेडर हैं। हमारे क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती है, हो किसी टाइम हो सकती है नहीं हो, लेकिन हम लोग आपको आपके सामने दिखा रहे हैं। जो बजाज फाइनेंस का मैंने कॉल दिया था वो आपके सामने है, 9:43 के टाइम पे मैंने दिया था, कीप आई ऑन बजाज फाइनेंस फ्यूचर नाउ CMP 2440, यस बाय एंड सेट रिलैक्स टारगेट ओपन, बाय बजाज फाइनेंस 2500 का कॉल 25 से 26 रुपए में टारगेट ओपन है। ओके, ये मैंने बोला था टारगेट ओपन है, लेकिन
इमीडिएट सर, 2 घंटे बाद, 2 घंटे भी नहीं हुए, मैंने यहाँ पे तुरंत बोल दिया था प्लीज एग्जिट फ्रॉम बजाज फाइनेंस बॉट 2440। हमने 2440 में बाई किया था, ये देखिए बाइंग रेट राइट। और उस टाइम जो सीएमपी चल रहा था 2432 रुपए का चल रहा था, तो ऑलमोस्ट इसका लॉट साइज है सर 250 का, तो ऑलमोस्ट हमारा 1500 से 2000 रुपए का नुकसान हम लोगों ने बुक किया है। नो प्रॉब्लम सर, सारे दिन आपके प्रॉफिट वाले नहीं होंगे, आप लोगों को मैंने एग्जिट करवा दिया था प्रॉपर टाइम पे कि भैया ये एग्जिट कर लीजिए, और उसके बाद इसका लो, बजाज फाइनेंस का लो आप देखिए 23 2368, यानी 2370 ले लीजिए सर, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मैंने आपके सेव कर लिए। सही टाइम पे एग्जिट दिया, ये लाइव मार्केट चल रहा है, अभी 3:24 हो रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है ठीक है। सही टाइम पे मैंने आपको एग्जिट करा दिया 20 रुपए, यानी कि सिर्फ 1000 से 2000 रुपए का लॉस बुक करा के हमने एग्जिट करा है। उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पहुंच गया। इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं क्वालिटी। ये देखिए जिस जिसका प्रॉफिट होता है मेरे अकाउंट में, क्लाइंट के अकाउंट में, मैं यहाँ पे मेंशन करता रहता हूँ कि ये देखिए ये डेली का है, 42,000 रुपये, 44,000 रुपये बैंक निफ्टी में हमारे स्ट्रैटेजी में डेली प्रॉफिट निकाल के देता हूँ मैं। ये देखिए सर, ओनली टू टू क्वांटिटीज, लुक एट दिस, ओनली टू टू क्वांटिटीज में ये बैक टेस्टिंग चल रही है स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरी, और जल्दी ही ये कंप्लीट करके मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ये बैक, ये स्ट्रैटेजी। अभी मेरी बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी रेडी है, निफ्टी की स्ट्रैटेजी रेडी है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी रेडी रेडी है ओके। एमसीएक्स के अंदर मेरे कुछ क्रूड ऑयल के अंदर, आपका जिंक के अंदर, कॉपर के अंदर, गोल्ड के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी रेडी है सर। तो जल्दी ही मैं आप लोगों को वो लॉन्च करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी, और आप लोगों को दूंगा, तो उसमें अगेन रोबो के थ्रू एनालिसिस करेगा सर। अगेन मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट के साथ हाथ जोड़ के एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये रोबो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको श्योर शॉट कोई प्रॉफिट देने वाला हूं, नहीं, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कोई श्योर शॉट कॉल्स देने वाला हूं इस रोबो के थ्रू, सॉरी सर अगेन बोलूंगा। ये रोबो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो आप पूरे दिन सिस्टम पे बैठते हो, ठीक है, पूरे दिन आप सिस्टम पे बैठे रहते हो, एक या दो या तीन कॉल्स पे आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे मेरे को फुल टाइम फुल डे सिस्टम के सामने नहीं बैठना है। जो मेरे पास कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी है वो मैंने कोडर कोडिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करा दिया है, तो वो जो इमोशंस होते हैं आपके ट्रेडिंग करते वक्त, बस वो इमोशंस को आपको खत्म कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली जैसे उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो बाय या सेल ट्रिगर कर देता है। रह गया प्रॉफिट एंड लॉस, वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, कि मार्केट अगर हमारे स्ट्रैटेजी के पॉजिटिवली चल रहा है तो प्रॉफिट आएगा, नेगेटिव चलेगा तो नेगेटिव आएगा सर, सिंपल है। तो ये कोई जो सोच के आ रहा है मेरे पास कि सर मेरे पास कोई मैजिक स्टिक है, सॉरी मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, जो आप ह्यूमन एरर्स है मैंने उसको रोबो के अंदर करा है बस, और कुछ नहीं किया सर, जिसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 से 20% 25% मंथली का मेरा रिटर्न निकल जाए, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, बहुत खुश हूं मैं सर उसमें। हाँ, उसके ऊपर बोनस 100% 200% आ जाए वो बात की बात है। और अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसके बाद अपनी पोजिशन ले। अगेन सारे प्रोडक्ट को क्या स्ट्रैटेजी है समझिए, सीखिए, देखिए, परखिए, उसके बाद एडवाइस लेने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद पोजीशन को लीजिए, और स्टार्टिंग में छोटे क्वांटिटी में काम करिए। जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि मैं कोई भी टेस्ट करता हूँ दो दो क्वांटिटी पे करता हूँ, चार चार क्वांटिटी पे करता हूँ राइट, इससे ज्यादा नहीं करता हूँ। और ये जो बड़ी क्वांटिटी आपको दिख रही है ये मेरी ऑलरेडी बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर मैं अनब्लाइंडली मैं कुछ भी ले सकता हूँ उसके अंदर क्वांटिटी। तो कोई नई स्ट्रैटेजी जब सीख रहे होते हैं तो छोटे क्वांटिटी में काम करें, इट डजेंट मैटर है कि छोटा क्वांटिटी लोगे सर 100 रुपये मेरे को बच रहे हैं या 200 बच रहे हैं, प्रॉफिट में होना सर, दो दो क्वांटिटी में 200 रुपये बच रहे हैं, मुझे क्या बुरे हैं, मैं इसी को 2000 क्वांटिटी कर लूंगा तो आप लगा लीजिए 2 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा मेरा राइट। एनीवे तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही एंड अप करना चाहूंगा, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। प्लीज सर आप लोगों का मुझे और सपोर्ट चाहिए, ये वीडियो को आप लाइक, अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है आपके लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ,
कमेंट सेक्शन में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं फीडबैक दीजिए, बेल आइकन बटन को प्लीज क्लिक कर लीजिए जिससे कि जब भी मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊं तो आपको फर्स्ट से पहले मिल जाए। ओके तो अगेन थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। आज का हमारा काम हो गया है सर, ऑलमोस्ट 18,585 रुपीज का मेरा M2M इस छोटे से अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, अलविदा सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।